वापसी का आज किस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नवोदय विद्यालय समिति इसके एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। तो नवोदय विद्यालय के एडमिट कार्ड हैं वो आप किस तरीके से निकालोगे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। एडमिट कार्ड हम अभी आए हुए हैं, आज ही एडमिट कार्ड आपका निकलना शुरू हुआ है। तो एडमिट कार्ड की देखो डेट दी हुई थी 5/6/2023, यानी आपके 5/3/2023 में आपके एडमिट कार्ड थे वो आने आ चुके हैं। तो अब एडमिट कार्ड आपको कैसे निकालना है, सरकारी एल पर मैं आ चुका हूँ, sarkarielite.com पर। यहाँ पर आपको आ जाने के बाद में लिखा हुआ है, वेबसाइट मिल जाएगी आपको नौजवान नवोदय विद्यालय एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक के पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक के पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट पर वो पहुँच जाएंगे। वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचने के बाद में फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा अपना, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इस तरीके से आपको मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इस तरीके से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर आप जिस भी स्टूडेंट का आपका एडमिट कार्ड निकालना चाहते हैं उसी की आप सेम उसी में डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। आपने जो फॉर्म में भरते समय जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई थी वही डेट ऑफ बर्थ इस पर भरना होगा। तो इसी हिसाब से डिफरेंस आप अपने यहाँ से इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का चयन कर लेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर भरने के बाद में फिर आपको यहाँ पर आपको अपने ये कैप्चा डालना होगा। आपका जो भी कैप्चा है वो आएगा, वो कैप्चा यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एडमिट कार्ड है वो निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको सामने कुछ नहीं करना है, बस एडमिट कार्ड आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने एडमिट कार्ड निकाल लेने हैं। धन्यवाद दोस्तों।